बिहार में भारत बंद का काफी असर देखने को मिल रहा है। महागठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार इस बंद को सफल बनाने की कोशिश की जा रही है। सुबह से ही महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं और इस बंद को हर संभव कोशिश की जा रही है कि सफल बनाया जाए। किसानों का समर्थन में आज भारत बंद है। किसानों का जो समस्या है वो समाधान नहीं हो रहा है, उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए आज भारत बंद है। जातीय जनगणना भी नहीं हो रही है, केंद्र सरकार इसके विरोध में जा रही है, उसी को लेके हम लोग आज भारत बंद का आह्वान करते हैं। पूरे भारत किसानों के समर्थन में बंदी है और उसके लिए बिहार के आदरणीय हम लोगों के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी के आदेशानुसार महागठबंधन के तमाम नेताओं ने भी आज किसान के समर्थन में रोड पर आने का काम किए हैं। कृषि जो तीन काला कानून है उसको वापस लेने हेतु जो आपके टिकरी बॉर्डर पे पूरे देश के किसान वहाँ पे जो धरना दिए हुए हैं लगभग एक वर्षों से, उस धरना के समर्थन में जब तक यह सरकार यह तीनों काला कानून वापस नहीं लेती है तब तक किसान वहाँ धरना में है। और हम लोग किसान के समर्थन में राष्ट्रीय जनता दल के और महागठबंधन के तमाम कार्यकर्ता उनके समर्थन में आज रोड पे हैं। आज भारत बंद करके उनको यह संदेश देना चाहते हैं कि यह देश जो कृषि काला कानून है उसको वापस लेने की मांग करती है। यह काला कानून देश के लिए जो थोपा गया है इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह काला कानून वापस ले। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जगता बाबू, आदरणीय हम लोग पूरे देश में बिहार बंद का आह्वान किया है, भारत बंद का आह्वान किया है, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी गैर भाजपाई छोड़ के नीतीश कुमार को छोड़कर सभी दल और सभी किसान संगठन आज हम लोग बंद में हैं। साथियों, हम ये मांग करने आए हैं, ये सरकार से बंद के माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि आपने तीनों काले कानून किसी कानून बनाया है उसको तत्काल रद्द करो, दूसरा MSC का गारंटी करो। और ये भी मांग करते हैं कि जो व्यापक महंगाई आपने बढ़ाया है, आप पेट्रोल का दाम बढ़ाया है, डीजल का दाम बढ़ाया है, सारे जीवन उपयोगी वस्तुओं का दाम बढ़ाया है और बेरोजगारी बढ़ाया है। हम मांग करने आए हैं बंद के माध्यम से, ये मोदी सरकार को बताना चाह रहे हैं कि मोदी सरकार तुम होश में आ जाओ, अब तुम्हारी सरकार बचने वाली नहीं है। किसान, मजदूर, तमाम युवा, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग रोड पर उतर गए हैं और पूरे देश में भारत को बंद कर रहे हैं। हम आपको जवाब देंगे, यूपी में जवाब देंगे, 1922 में आपको जवाब देना दे रहे हैं। वहाँ योगी सरकार को खात्मा तय है और 2024 में आप मोदी होश में हो जाओ। मोदी, यदि तुम तीनों किसी कानून तुम वापस नहीं देते हो, महंगाई को कम नहीं करते हो, युवाओं को रोजगार नहीं देते हो, तो 24 से तुम्हारा सरकार बच नहीं जा रहा है। तमाम किसान संगठन, तमाम दल के लोग हम लोग एक हो गए हैं और आपको ये गद्दी से भगाएंगे।